चलो यार गाइस, दिस साइड सीएसी हरीश मंधारिया, ओनली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस का लेजर ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग साथ में हैं पक्का? प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना। चलो लिखो बेटा, टॉपिक नंबर 4, LEDGER, लेजर, खाता, अकाउंट, खाता वही। सुनो अच्छे से, अब समझना चीजों को। देखो बेटा, आज से कई युगों पहले हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस का मतलब समझाया था। बिजनेस में क्या होते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यस और नो? इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड कैसे करना है बेटा? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बरोबर। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल एंट्री बुक में, रोजमेट जर्नल एंट्री बुक, या फिर रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? सब्सिडायरी बुक में, दोनों में से कोई तो एक जगह। सर ये सब्सिडायरी बुक क्या होता है? ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ये सब्सिडायरी बुक है टॉपिक नंबर 5, और आप लोग हो अभी टॉपिक नंबर 4 में, ओके? ये आगे आएगा। जर्नल एंट्री बुक हमने पढ़ लिया। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होते ही सबसे पहले वो इन दोनों में से कोई तो एक बुक में जाएगा, कोई तो एक, यस और नो? इसीलिए इन दोनों बुक को हम लोग प्यार से प्राइमरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन होते ही सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उसे प्राइमरी और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बरोबर है? पक्का? डन? चलो आगे। चलो ठीक है, चल आगे बढ़े, आ जाओ। सो लेजर ये टॉपिक चल रहा है बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग अगली स्टेज क्या करते हैं? पोस्टिंग। अब अच्छे से ध्यान देना, ये हमने पढ़ लिया रिकॉर्ड कैसे करते, ये पढ़ना बाकी है। सब्सिडायरी बुक ही अगला टॉपिक है। अब मेरी बात सुनना, ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये जर्नल एंट्री बुक का फॉर्मेट है आप लोगों का, बरोबर है? ऐसी बनाते थे ना, सारे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड कर दिए, खिचड़ी हो जाती थी। अब अगर अचानक कोई इंसान आया और बोला कि मेरा हिसाब कितना है, तो जर्नल एंट्री बुक में देख करके हम लोग हिसाब निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्री बुक में कार का भी ट्रांजेक्शन है, कैश का भी है, परचेस का भी है, सेल का भी है, एक्सपेंस का भी है, मशीन का भी है, राम का, सखाराम, तुकाराम, जॉर्ज, रहीम, सबके ट्रांजेक्शन मिक्स है इसमें, हल्दीराम का चूड़ा है। जर्नल एंट्री बुक सिर्फ हम लोगों का रिकॉर्ड है, बस सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके एक ही डब्बे में सब कुछ भर दिया, जैसे लड़कियों के पर्स में होता है ना, सारा सामान एक ही जगह बीच में झोले में डाल देते, कुछ ऐसे कंपार्टमेंट थोड़ी होते हैं ज्यादा। तो जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर किसी ने पूछ लिया, कोई आ गया आपके पास में, इंसान बोला मेरा हिसाब कितना है, तो जर्नल एंट्री बुक से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना, इंफॉर्मेशन निकालना बहुत टीडियस वर्क है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स वर्क है, यस और नो? इसीलिए हम लोग जर्नल एंट्री बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग लेजर्स में, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। अकाउंट्स मतलब टी शेप फॉर्मेट, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट, बरोबर है? क्लियर? समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। अरे मागे काहीतरी चुबत होतं रे, खिशात होतं, ते काढून ठेवलं। सो समरी ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऍट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मॅट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट, त्याला आपण काय म्हणतो? अकाउंट, बरोबर? ये बात समझ आई सभी को? नहीं समझी सर, मैं बताता हूँ डिटेल में, वही चैप्टर है ना अपना, आ जाओ अच्छे से ध्यान देना। आ जा मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो, ओके
ओके, आ जा बेटा, आ जा। सो जर्नल एंट्री बुक में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे थी। अभी सारी इंफॉर्मेशन को, राम की इंफॉर्मेशन राम अकाउंट में, कैश की इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट में, सकाराम की इंफॉर्मेशन सकाराम अकाउंट में, कार की इंफॉर्मेशन कार अकाउंट में। सो जर्नल एंट्री बुक में जो मिक्सचर था, भेल थी भेल, मुरमुरे मुरमुरे अलग निकालो, चने अलग निकालो, शेंगदाने अलग निकालो, फुटाने अलग निकालो, चटनी अलग निकालो, दही अलग निकालो, सब में सेपरेट सेपरेट रख रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे जर्नल एंट्री बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रॉपर पोस्ट करना है, और पोस्ट करना मतलब ट्रांसफर करना। कहाँ पे? लेजर बुक में, खाता वही, लेजर बुक, लेजर बुक, यही हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा। जर्नल एंट्री बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिस्पेक्टिव लेजर बुक में ट्रांसफर करना है। लेजर बुक में क्या होता है? खाता वही में क्या होता है? खाता, लेजर बुक खाता वही। लेजर बुक में क्या होते हैं? लेजर्स, लेजर्स बुक यानी क्या? अकाउंट। यहाँ पे लेजर बुक में क्या है? लेजर्स अकाउंट है। टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ये प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल एंट्री बुक से इंफॉर्मेशन निकाला, लेजर बुक में डाला, जर्नल एंट्री बुक से निकाला, लेजर बुक में डाला। ओ जोमैटो लक्ष दे इकड़े, राजेश खन्ना मग हिंडशी निकड़े तिकड़े परीक्षेच्या वेळेस डंजो वाणी। जर्नल एंट्री बुक से इंफॉर्मेशन निकाल के लेजर बुक में डाल रहा हूं, जर्नल एंट्री बुक से इंफॉर्मेशन निकाल के लेजर बुक में डाल रहा हूं। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। यस और नो? पक्की बात? डन, चलो आगे। ये हो गया पोस्टिंग। सर कैसे करते पोस्टिंग? वही तो पढ़ना है इस पूरे टॉपिक के अंदर में। मैं इस टॉपिक का बर्ड आई व्यू दे रहा हूं आपको, ऊपर ऊपर से टॉपिक में क्या है। पोस्टिंग के बाद करेंगे हम लोग बैलेंसिंग। बैलेंसिंग सर, बैलेंसिंग मतलब अकाउंट में लेफ्ट साइड की टोटल, डेबिट साइड की टोटल मान लो 100 रुपए है, क्रेडिट साइड की टोटल मान लो 80 रुपए है, तो बोलो बैलेंस किधर आया? बैलेंस आया इधर। कितना बैलेंस आया? 20। इधर की 100, इधर की 80, 100 मधून 80 गेले रायले 20। ये आया बैलेंसिंग फिगर 20। बैलेंसिंग फिगर, इस बैलेंस का नाम क्या है? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी तो बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। सर अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा रहती, इधर है 100 इधर है 80, तो इधर बैलेंस आता 20, तो इस बैलेंस का नाम क्या होता? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। अब ये जो रेड कलर के पेन से मैंने लिखा है ना पोस्टिंग बैलेंसिंग, पूरे इस टॉपिक में यही पढ़ना है। पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, कहां पे? लेजर में। पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, कहां पे? लेजर में। पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, कहां पे? लेजर में। कुछ बात समझ आई क्या? रे सेमी यस और नो? ऐसा कोड है एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? चलो आगे। पक्का? चलो स्टार्ट करूं क्या टॉपिक? सर इसके बाद क्या है? बैलेंसिंग के बाद है ट्रायल बैलेंस, ये भी आगे एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। ये 5 है, ये भी एक टॉपिक है। सर ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है? फाइनल अकाउंट, ये भी एक टॉपिक है। बट आप अभी कहाँ खड़े हो? ये है आपका जीपीएस लोकेशन, आप अभी यहाँ खड़े हो। हमें पढ़ना है ये टॉपिक, हमें पढ़ना है ये। ये सारी चीजें अपने को पढ़ने की है, येलो कलर की पेन से जो मार्क किया। क्लियर? चलो आगे। ओके देन, आ जाओ। सो ये लिख लिया सभी ने? ये हमारा धंधा है, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया, बिजनेस में हुए ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्री बुक में, या फिर सब्सिडायरी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों में से कोई तो एक जगह। सब्सिडायरी बुक अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे के टॉपिक में आएगा। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, हमें इस टॉपिक में पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग, पोस्टिंग बैलेंसिंग पढ़ना है। चलो आगे।
आज हम ना काम की चीज है, इस टॉपिक के अंदर में आपकी जर्नल एंट्रीज भी वापस क्लियर हो जाएगी। जो बच्चों को जर्नल एंट्री में तकलीफ आती है ना, तो वो भी चीजें आपकी फिर से क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर? पक्का? चलो आगे। हाँ, ये लिख लिया सभी ने? अब आगे बढ़ रहा हूँ। लिया रे बाबा, लक्ष्य दिया सांगल्या पैकी। बहुत काम का टॉपिक है, लाइफ टाइम काम आएगा। लेजर, खाता वही, लेजर बुक, खाता वही, याच्यात काय असतात खाता, इसमें क्या रहता है अकाउंट। आ जाओ। सो ए मुन्ना, लक्ष्य देख रहे, ये ट्रांजेक्शन है। बिजनेस बिजनेस, लक्ष्य दे भावा। स्टार्टेड ली माझ्या सोबत। एग्जाम्पल नंबर वन, विथ कैश ₹1,000। बरोबर। दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन, धन्यवाद मालिक, मंडळ तुमचे खूब आभारी आहेत। बरोबर है। ली रे जोमैटो, दूसरा ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹2,000। बरोबर है क्या? उसके बाद मशीन परचेज, मशीन विकत घेतली वर्थ ₹3,000, वर्थ ₹3,000। डन? चलो आगे। यस और नो? आता ये झाले ट्रांजेक्शन, ये हुए बिजनेस में। बिजनेस में क्या हो गया? ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन को अब हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड। ए बाबा लक्ष्य दे, ट्रांजेक्शन को क्या करना है अब? रिकॉर्ड। ये ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जर्नल एंट्री। बरोबर है, जर्नल एंट्री बुक में। ये ट्रांजेक्शन्स हो गए, ट्रांजेक्शन्स को अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री बुक में। ठीक है, चल इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1, कितने बेटा? 10,000 है। 1,000 नहीं, 10,000, 10,000। चल बोल बेटा, पट 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 पट, एंट्री क्या रहेगी? जैसे ही ट्रांजेक्शन पड़ा, सबसे पहले आपने पता लगाना है कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश आ गया है बिजनेस में, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। दूसरा, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बनेगा कैपिटल अकाउंट। सो बिजनेस में कैश आ गई, अपना रूल याद आया क्या? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। इस टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। इन सब का हमेशा के लिए क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। सेम ही यस और नो? बरोबर है। सो बिजनेस में कैश आ गई, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। बिजनेस में कैश आ गई है ना, कैश बढ़ गई तो कैश को डेबिट करेंगे। और कैपिटल आया बिजनेस में, लायबिलिटी कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। जब भी ओनर धंधे में कुछ लाता है अपने जेब से, जब भी ओनर अपने जेब से, अपने जेब से, अपने जेब से, अपने जेब से धंधे में मनी और मनी वर्थ में कुछ लाता है, तो कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो टू कैपिटल अकाउंट कितना आया रे बाबा? 10,000, 10,000। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक जर्नल एंट्री है क्या? हमारा टॉपिक क्या है बेटा? हमारा टॉपिक है लेजर। उसके बाद में इसकी एंट्री करो। ये थी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, गुड्स परचेज ₹2,000, माल खरीदा। जब भी माल खरीदेंगे तो परचेज बढ़ेगा, परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज बढ़ता है तो डेबिट करो। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 2,000। और पेमेंट कर दिया होगा, पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है, सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग समझेंगे कैश में लिया होगा। कैश चला गया, कैश ही असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट करो। कैश चला गया, माल खरीदा, कैश चला गया, बिजनेस से कैश कम हो गई, कैश को क्रेडिट करो।
उसके बाद तीसरा मशीन खरीदा, मशीन आ गई बिजनेस में, मशीन नाम की असेट बढ़ गई, मशीन का डेबिट बैलेंस मशीन बिजनेस में आ गई, मशीन नाम की असेट बढ़ गई तो मशीन को डेबिट करो, कैश चली गई है कैश को क्रेडिट करो। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। जर्नल एंट्रीज हमने कर लिया, किसी को भी इत्तू सा भी डाउट है तो सर आपने ऐसा क्यों काय को कैसे किया, प्लीज पहले पूछो। एनीबॉडी बोल बाड़ा, क्लियर पक्का, चलो आगे। ओके ठीक है, आ जाओ धीरे धीरे प्यार से। जर्नल एंट्री के बाद अगला काम क्या है? जर्नल एंट्री के बाद फिर क्या है? पोस्टिंग। ये है हमारा टॉपिक। रिकॉर्डिंग हो गया क्या? देखो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हमने पढ़ लिया, रिकॉर्ड किया ना अभी अभी डेबिट क्रेडिट का रूल इस्तेमाल करके। अब रिकॉर्डिंग के बाद क्या है? जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड कर दिया, अब क्या है? अब आया मेरा टॉपिक पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या है? पोस्टिंग। बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग 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 पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग तो हो गई है, रिकॉर्डिंग के बाद है अब पोस्टिंग पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करनी है सर? पोस्टिंग करनी है खाता वही, लेजर बुक, लेजर बुक। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर ये जर्नल एंट्री टेबल में लिखना है क्या? नहीं रे बेटा, मैं आपको लेजर पोस्टिंग समझा रहा हूँ, ये आपने ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने लिखा है। मेन हमारा मुद्दा जर्नल एंट्री समझना नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है पोस्टिंग समझना। ठीक है, आ जाओ जर्नल एंट्री से अपना ध्यान हटाओ और पोस्टिंग के ऊपर आ जाओ डायरेक्टली। आ जा मुन्ना, अब मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर बुक, खाता वही। खाता वही में क्या होते हैं? खाता यानी अकाउंट। पोस्टिंग लेजर बुक में कर रहा हूँ। बोलो अब यहाँ पे कौन कौन से लेजर बनेंगे? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये मैंने बना लिया कैश अकाउंट। पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर बुक में। कौन कौन से अकाउंट रहेंगे? जर्नल एंट्री में, सुनना सेंटेंस में कह रहे हैं, जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट बने हैं वो सारे अकाउंट बना लो। कौन कौन सा अकाउंट बना है? कैश अकाउंट कैश अकाउंट कैश अकाउंट। और कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। और कौन सा अकाउंट है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट वापस बनाने की जरूरत नहीं है, कैश कैपिटल परचेज कैश वापस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश ऑलरेडी बना लिया, कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए। कैश बना लिया। मशीन अकाउंट। कैश वापस बनाने की जरूरत नहीं है, कैश ऑलरेडी बना लिया, दैट्स इट। ये मैंने टी शेप फॉर्मेट बना लिए सभी के, ये मैंने टी शेप फॉर्मेट बना लिए सभी के। सर कहां से समझा आपको कौन कौन से टी शेप फॉर्मेट बनाना है? जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट आपको दिख रहे थे, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट परचेस अकाउंट, कैश वापस बनाने की जरूरत नहीं है। मशीन अकाउंट, कैश वापस बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझी सभी को? प्लीज टेल मी यस और नो। क्लियर, पक्की बात? जर्नल एंट्री से पूछा, हे जर्नल एंट्री बता कौन से अकाउंट बनाओ। जर्नल एंट्री बोली कैश अकाउंट बना ले, कैपिटल बना ले, परचेज बना ले, कैश वापस मत बनाना ऑलरेडी बना लिया, मशीन अकाउंट बना लिया, कैश ऑलरेडी बनाया हुआ है। और अकाउंट की लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड, राइट साइड यानी क्रेडिट साइड, अब देख रहे मुन्ना? अमाउंट, जर्नल फोलियो और ये डेट।
अमाउंट, जर्नल फोलियो और ये डेट। पोस्टिंग ऐसा मैं लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। बनाओ मेरे साथ साथ फॉर्मेट। कैश कैपिटल मशीन ये था परचेज, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ये सारे मैंने लेजर्स बना लिए, बनाना बेटा ऐसा ही। तूने भी अमाउंट का कॉलम, जर्नल फोलियो, डेट, अमाउंट का कॉलम, जर्नल फोलियो और ये डेट का कॉलम। बनाओ अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, जर्नल फोलियो और ये डेट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, जर्नल फोलियो और ये डेट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, जर्नल फोलियो और ये डेट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, जर्नल फोलियो और ये डेट का कॉलम। बनाए बेटा सभी ने? ये लेजर का फॉर्मेट है, ये लेफ्ट साइड है, बीच की ये रेड लाइन है, इधर लेफ्ट साइड ये रेड लाइन है, इधर राइट साइड ये बीच की रेड लाइन। अब मैं लिख रहा हूँ सब में कौन कौन से कॉलम में क्या क्या नाम है, प्लीज सब लोग साथ में रहना बेटा। बहुत आसान चीज है, बस फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो इसलिए स्लो स्लो बता रहा हूँ। बेसिक के अंदर में देखा था ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये जर्नल फोलियो और ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो जीएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, 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 पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। मुझे कैसे समझा कौन कौन से लेजर बनाने, कौन कौन से अकाउंट बनाने? जर्नल एंट्री से। हे जर्नल एंट्री बता कौन कौन से अकाउंट बनाने। जर्नल एंट्री में दिख रहा था सबसे पहले कैश अकाउंट, बना लिया कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में दिखा कैपिटल अकाउंट, बना लिया कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री में दिखा परचेस अकाउंट, बना लिया परचेस। जर्नल एंट्री में दिखा कैश, वापस कैश नहीं बनाना, एक बार कैश बना दिया ऑलरेडी। जर्नल एंट्री में दिखा अगला मशीन अकाउंट, बना लिया मशीन अकाउंट। इसका मतलब क्या है
कैश की सारी इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी, पर कैपिटल की सारी इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी, परचेस की सारी इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी, कैश की सारी इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी, मशीन की सारी इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी, कैश की सारी इंफॉर्मेशन कैश में, मतलब समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। साथ में है सब लोग? क्लियर है? सब लोग साथ में है? पक्की बात? चलो आ जाओ, पोस्टिंग कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सबसे ज्यादा काम की चीज है और बहुत आसान है। क्या लिखा है यहां? पहले एंट्री से स्टार्ट करो। पहली एंट्री थी, दूसरी थी, तीसरी थी? पहली एंट्री थी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चल पढ़ रहे, पढ़ एंट्री पढ़। कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री खुद चीख चीख के बोल रही है, कैश के डेबिट में जाओ, आ गया, और लिख दो टू कैपिटल। कैश के डेबिट में 10,000 आने चाहिए, 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 कैश के डेबिट में 10,000 आने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कैश बढ़ गई है 10,000 से, कैश का डेबिट बैलेंस है ना, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। कैश के डेबिट में 10,000 आ गए मतलब आपके धंधे में कैश बढ़ गई है 10,000 से। लेकिन ये ऐसी आधी इंफॉर्मेशन कितनी गंदी दिख रही है, बस इतना ही दिख रहा है कैश डेबिट हो गया 10,000 से। बट ये 10,000 किसकी वजह से आए? कबूतर छोड़ के गया? नो, ये आए कैपिटल की वजह से। तो यहां पे लिखो टू कैपिटल अकाउंट, लाइन से लिख देना ऐसा, टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। डेट क्या थी इसकी? जो भी डेट थी वो डेट भी लिख दी। ये देखो कछु समझा क्या? ये हुआ आधा पोस्टिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश के डेबिट में जाओ, लिखो टू कैपिटल, कैश के डेबिट में 10,000 लिख दिया। देखो मैंने 10,000 को टिक लगा दिया यहां पे, एग्जाम में ऐसी टिक विक मत लगाना। अब उसके बाद आधा पोस्टिंग हो गया एंट्री का। अब कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, टू है मतलब क्रेडिट हुआ है, कैपिटल के क्रेडिट में कितना लिखना है? 10,000। कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, लिखो 10,000। ए राजेश खन्ना ध्यान दे, बट ये कितना गंदा दिख रहा है। कैपिटल क्रेडिट हो गया, कैपिटल बढ़ तो गया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। ये बढ़ना कम होने वाला एरो यहां नहीं लिखा तो भी चलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। कैपिटल बढ़ गया 10,000 से, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा? कबूतर लाया? नो, कैश की वजह से। तो कैपिटल के क्रेडिट में लिख दो बाय कैश, कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय कैश अकाउंट। एक तारीख थी ना इसकी। और ये जर्नल एंट्री बुक है, ये जर्नल एंट्री बुक में आपकी ये एंट्री थी, समझ लो पेज नंबर 3 पे। आपको समझाने के लिए मन से एग्जांपल लिया, नहीं तो बच्चा और बोलेगा पेज नंबर 3 कहां से आया। तो यहां पे लिख दो पेज नंबर 3। और ये जर्नल एंट्री बुक में, मान लो ये लेजर बुक में आपका कैश अकाउंट है, समझ लो पेज नंबर 4 पे, ये है समझ लो पेज नंबर 3 पे, सॉरी ये है समझ लो पेज नंबर 2 पे, ये है समझ लो पेज नंबर 3 पे, ये है समझ लो पेज नंबर 5 पे। तो कैश अकाउंट पेज नंबर 4 पे ना, तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बुक में जो लेजर फोलियो होता था ना, तो कैश के सामने यहाँ पे लिख दो 4। लेजर फोलियो कॉलम होता था ना अपना जर्नल एंट्री बुक में। अरे बाबा यस और नो, ये जर्नल एंट्री बुक है, यहां पे लेजर फोलियो लिखते थे ना। पहली एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल, बरोबर है, नरेशन लिख दिया, अमाउंट कितना था? 10,000। ऐसे लिखते थे आप जर्नल एंट्री बुक में। तो अब ये लेजर बुक खाता वही में कैश अकाउंट कौन से पेज पे? ये मैंने पेज नंबर मन से लिए है, ये पेज नंबर मैंने कहां से लिए? मन से।
है ना, पेपर में आपको दिया रहा तो लिख लेना। अब लेजर बुक में कैश अकाउंट कौन से पेज पे है? पेज नंबर 4 पे है। तो जर्नल एंट्री बुक में कैश अकाउंट के सामने यहाँ पे लिखो 4। और कैपिटल अकाउंट कौन से पेज पे है? समझ लो पेज नंबर 2 पे है। लेजर बुक में कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे लिखना 2। सो जर्नल एंट्री बुक में है लेजर का पेज नंबर, लेजर के बुक में जर्नल एंट्री का पेज नंबर। यस और नो? क्लियर है? पक्का? डन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। और लेजर बुक में मान लो जर्नल एंट्री बुक में ये एंट्री पेज नंबर 3 पे है, तो यहाँ लेजर बुक में जर्नल फोलियो पेज नंबर 3, ये एंट्री कौन से पेज पे है? पेज नंबर 3 पे। ये एंट्री कौन से पेज पे है? पेज नंबर 3 पे। देखो पेज नंबर 3 पे ये है, समझ लो पेज नंबर 6, ये है समझ लो पेज नंबर 11। क्लियर? पक्का? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछो। क्या इशू है समझ ले पूरा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी? पक्का? नहीं नया मत डालो, मत डालो, फ्री कर दो बोलना, फ्री कर दो, नया मत डालो, स्मूथ कर दो, मक्खन कर दो। बच्चे सोच रहे होंगे मक्खन क्या कर दो? अरे बाबा गाड़ी सर्विसिंग के लिए दिया हुआ है, बहुत खर्चा आ रहा है, तो मैंने बोला उसको कम खर्चे में जो अच्छा कर सकते हैं ना वैसा कर दो। डन? चल उसके बाद आगे बढ़ता हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना। सो पहली वाली एंट्री की पोस्टिंग हो गई, कैश के डेबिट में 2 कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, कैश के डेबिट में 2 कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। दूसरी एंट्री, ये दूसरी एंट्री है समझ लो जर्नल एंट्री बुक में, जर्नल एंट्री बुक में दूसरी एंट्री है समझ लो पेज नंबर 6 पे। परचेज अकाउंट के डेबिट में जाओ 2000 लिखो, परचेज के डेबिट में जाओ 2000 लिखो। बट ये 2000 काय का परचेस है? क्या हुआ परचेस किया तो क्या गया? कैश गई। सो यहां पे लिखो परचेस के डेबिट में 2 कैश अकाउंट, परचेस के डेबिट में 2 कैश। तारीख क्या थी इसकी लिख दी दो। और ये जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर क्या था इसका? 6। जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर जर्नल फोलियो 6। और कैश के क्रेडिट में जाओ लिखो बाय परचेस, कैश के क्रेडिट में 2000, कैश के क्रेडिट में 2000, 2000 कैश चली गई किसकी वजह से? परचेस की वजह से। तो लिखो बाय परचेस। और जर्नल फोलियो बुक में पेज नंबर 6 पे था ना जर्नल एंट्री बुक में। वैसी तीसरी एंट्री, मशीन के डेबिट में 2 कैश, मशीन के डेबिट में, मशीन अकाउंट के डेबिट में 2 कैश। कितना है बेटा? 3000। और कैश के क्रेडिट में बाय मशीन अकाउंट 3000। कुछ था क्या रे? और इसका पेज नंबर है 11। आता माला सांगा? नो सर, येट सांग तो बरोबर है। क्लियर? चलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक हेलो हेलो, चलो क्लियर है? इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। क्लियर है? चलो जो भी मैंने आज पढ़ा है प्लीज एक बार अच्छे से आपने सारी चीजें देखना है, समझना है, सुनना है और अपने दिल दिमाग डीएनए के अंदर उतार लेना है। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है ना तो भाई प्लीज इस भाई को याद कर लेना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय।